वो तो क्या हुआ कि तुमने मेरी मदद की थी, इसी वजह से मैंने तुम यहाँ पर छोड़ा हुआ है। लो प्रोफाइल लो प्रोफाइल, अरे हमारा माथा है लो प्रोफाइल। तब बड़ा दिमाग खराब कर दिया इस बंदे ने, क्योंकि पहले ही इसने हमारे सारे कॉम्बैट मास्टर होल की जो विरासतें थी, जो टेक्निक्स थी, वो सारी सारी टेक्निक्स इसने एक ही बार के अंदर सीख ली थी। और उसके बाद में भी ये बंदा खुद को हमारे सामने ऐसे दिखा रहा है कि इसके ज्यादा बड़ा कोई और लो प्रोफाइल है ही नहीं। प्रिंसिपल नितिन इसको लो प्रोफाइल नहीं बोलते, इसको एक ऐसी प्रोफाइल बोलते हैं जो किसी की औकात से बाहर होती है। वहीं सामने हॉलमास्टर जगदीश अपने मनी के अंदर ऐसी गालियां देने का मन हो रहा था, जैसे कि अगर वह अभी यहाँ पर गालियां बकना शुरू कर देते तो उसके बाद में नितिन के कहाँ कहाँ से खून आता मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब हॉलमास्टर जगदीश की ऐसी प्रतिक्रिया देखने के बाद में नितिन परेशान हो जाता है और वह उससे पूछ ही लेता है, हॉलमास्टर जगदीश क्या हो गया आपको? अरे मैंने इनसे ऐसा क्या कह दिया? क्या मैंने इनकी कोई लड़की वड़की भगा ली है? मैंने तो वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके कारण इनकी ऐसी हालत हो जाए। क्योंकि ये देखते हुए कि एक संत लेवल स्टेज 5 का लड़ाकू इस तरह से इतनी खतरनाक हालत के अंदर आ चुका था कि किसी भी पल हार्ट अटैक से मर जाए। और इसी साथ में नितिन अब आगे बढ़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वह हॉलमास्टर जगदीश को थोड़ी सांत्वना दे सके। वहीं दूसरी तरफ जब हॉलमास्टर जगदीश ने देखा कि नितिन के चेहरे के ऊपर उसको देखने के बाद में बहुत ज्यादा मायूसी के भाव छाए हुए थे, तो उसी को देखने के बाद में अब तो हॉलमास्टर जगदीश को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। हालांकि उन्होंने अपने उन सभी गुस्से को एक ही जगह पर दबा के रख दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि उनका गुस्सा दिखाना यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आने वाला था। क्योंकि यहाँ पर हॉलमास्टर जगदीश भी जानते थे कि इसके अंदर उस नितिन की कोई भी गलती नहीं थी। क्योंकि पहला मुद्दा तो यह है कि वही था जो यहाँ पर उस नितिन को लेकर आया था ताकि वह उसकी कुछ मदद कर सके, और इसके अलावा ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी या कोई ऐसा कोई कारण नहीं था जिसके कारण दूसरा पक्ष अपनी असली पहचान उनको बताए, और खासकर किसी अजनबी को बिल्कुल भी नहीं। और इससे अलग बात तो यह थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि दूसरी पार्टी ने बिना किसी पूछताछ के सीधे उनके मदद करने के लिए तैयार हो गए थे ताकि वह उनको उनकी मुसीबत से छुटकारा दिला सके। और अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन गई थी जिससे बाहर निकलने का उनको कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद में नितिन की बात सुनने के बाद में हॉलमास्टर जगदीश अपने आप को संभालते हैं और वो उससे कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि मेरे को सांस लेने के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और इतना बोलने के साथ साथ हॉलमास्टर जगदीश ने अपना हाथ हिला दिया और नितिन को दूर रहने के लिए कह दिया, क्योंकि वह अभी बिल्कुल भी नितिन की मदद नहीं ले सकते थे क्योंकि अभी तक भी वह सच्चाई को मानने में बिल्कुल भी अनिच्छुक थे। और इसी वजह से उन्होंने एक बार फिर से पूछ लिया कि क्या आप वास्तव में नितिन हैं? प्लीज आप मुझे सच बताइए, क्योंकि आपके इस तरह के सच को सुनने के बाद में तो मेरा हार्ट अटैक भी आने वाला था। वो तो क्या हुआ कि मैंने अपने हार्ट को थोड़ा समझाया कि बच्चे समझ जा, ऐसे तेरे को झटके मिलते रहेंगे। और मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ वास्तव में मैंने सही कहा, मैं ही नितिन हूँ, लेकिन ये सब कुछ छुपाने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन वास्तव में मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपसे किसी तरह का झूठ बोलूं। बस फिर क्या था? बस ये बात सुनते ही तो अब हॉलमास्टर जगदीश की हालत और भी ज्यादा बेकार हो गई थी, क्योंकि उनकी आंखों के अंदर अब खून सवार हो गया था, उनके मुंह के अंदर से अब खून टपकने लगा था। वही उनकी इस तरह की हालत को देखने के बाद में नितिन के चेहरे का रंग पूरी तरह से पीला पड़ गया था और उन्होंने कहा, हॉलमास्टर जगदीश मुझे तो आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है, आपकी देखिए कहां कहां से खून निकल रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि आप कुछ समय पहले तो बिल्कुल ठीक थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बच्चा हो जो यहाँ पर इधर उधर खेलने के लिए तैयार हो, लेकिन आखिरकार अचानक से आपको क्या हो गया? क्या आपके पास में कोई मुसीबत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ में साझा कर सकते हैं, क्या पता मैं आपकी उसके अंदर कोई मदद कर सकूं। बस नितिन की ऐसी बात बोलने की देर थी कि अचानक से हेड गिरिक आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब वह इस तरह की अजीबोगरीब स्थिति को वहाँ से दूर कर देना चाहते थे और उस बात को आगे बढ़ा देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, प्रिंसिपल नितिन बात कुछ ऐसी है कि आपको जिस बारे में बताया गया था कि हमारे हॉल मास्टर के हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल के ऊपर कोई परेशानी आन पड़ी है, तो वो परेशानी कोई और नहीं वह आप ही हैं। हेड गिरिक ने वो स्थिति इसलिए संभाल ली थी क्योंकि वास्तव में उन्हें ये डर लग रहा था कि अगर थोड़ी देर ऐसी बातें आगे चलती रही तो उनके हॉलमास्टर जगदीश शायद ही इस दुनिया के अंदर रहे, क्योंकि इतने खतरनाक झटके जो उनको लग रहे थे वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही गिरिक के मुंह से वह शब्द बाहर निकले, नितिन के दिल के ऊपर एक झटका लगा। मैं क्या? जिस मुसीबत की बात कर रहे थे वह मैं हूँ?
हाँ वास्तव में आप ही हैं। यह देखते हुए कि कैसे नितिन अपने उस तरह की हालत से बिल्कुल बेखबर था, एड ग्रिग ने उसे समझाया और बड़े ही बेबसी के साथ में अपना सिर हिला दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल भोला भाला आदमी हूँ, तो आपको ऐसा नाम नहीं लगाना चाहिए। हाँ मैंने मान लिया कि मैंने सोल अवेकनर गिल्ड के अंदर वो थोड़ी बहुत परेशानी की थी, लेकिन उसके बाद में तो मैं कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर आया ही नहीं, तो मैं किस तरह से आपकी इस तरह की परेशानी का कारण बन सकता हूँ। नितिन की वो बात सुनने के बाद में अब हेड ग्रिग ने अचानक से अपना हाथ उठा दिया और उन्होंने कहा, ठीक है अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, और आपको इसके बारे में जानना है तो आप उनसे पूछ लीजिए। उनकी मुंडी थोड़ी सी नीचे थी और उनके हाथ अभी रोमा और रोहन के ऊपर थे। वहीं दूसरी तरफ हेड ग्रिग के इशारे की तरफ देखते हुए नितिन का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया और वो मन ही मन के अंदर सोचने लगा, अब इन सब बेवकूफों ने क्या कर दिया, आखिरकार ये क्या शांति से बैठ नहीं सकते, फालतू में मेरा नाम यहाँ पर बदनाम करने पर लगे रहते हैं। उसके साथ में अब वह बड़े गुस्से के साथ में उन दोनों से पूछ लेता है, तुम दोनों ने यहाँ पर कौन सा रायता फैला दिया है। नितिन का इस तरह से गुस्से को देखते हुए रोमा और रोहन दोनों का चेहरा बहुत बुरी तरह से काला पड़ गया था और अब उन्हें नितिन के उस गुस्से से डर लग रहा था और उन्होंने घबराते हुए कहा, टीचर बात कुछ ऐसी है कि जब हम लोग यहाँ पर रोसा साम्राज्य के अंदर आए थे तो आप वहाँ से चले गए थे, लेकिन रात के अंदर कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर जितने भी लड़ाकू मास्टर्स थे उन्होंने अपने नियमों का पालन नहीं किया और वो चैलेंज से पहले ही हमें चुनौती देने के लिए वहाँ पर आ गए थे, लेकिन फिर आपको तो पता है कि हमारे वीपी क्लब के अंदर कितने खतरनाक स्टूडेंट्स भरे हुए हैं, बस फिर क्या था उन्होंने वहाँ पर उनको ठोक डाला, उन सभी ने उन्हें इतनी बुरी तरह से उड़ा उड़ा कर फेंका था, लेकिन जब वह सभी वहाँ पर हार गए तो उन सभी ने फिर उसके बाद में हमारे वीपी क्लब के अंदर शामिल होने के लिए हम सभी से अनुरोध किया, और फिर तो आपको तो पता ही है ना कि हमारा वीपी क्लब कितना ज्यादा अच्छा है, हम इस तरह की शक्तिशाली प्रतिभाओं को अपने वीपी क्लब के अंदर शामिल करने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं, और फिर आपने हमें जो युद्ध कौशल सिखाया था हमने उन्हें वह सब कुछ सिखा दिया, बस इतना ही। क्या बस इतनी सी बात, लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात तो होनी नहीं चाहिए थी ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तो अपने ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए तो इकट्ठा हुए हैं। वो बात सुनने के बाद में नितिन की आंखें सिकुड़ गई और वो तो बड़ा ही परेशान हो गया, क्योंकि अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे और एक दूसरे से सीख रहे थे तो वो तो उनके लिए ही बहुत ज्यादा अच्छी बात थी, उसके बाद में तो कॉम्बैट मास्टर हॉल को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आखिरकार ये हॉल मास्टर जगदीश क्यों हमारे वीपी क्लब को इस तरह से बदनाम करने के अंदर लगे हुए हैं, बड़ी मुसीबत, अरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, तुम तो मुस्तंडे हो रहे हो इतने बड़े बड़े होकर, अब तुम हार गए तो इसमें मेरी इस वीपी क्लब की क्या गलती थी। टीचर बात कुछ ऐसी है कि अगर यहाँ पर केवल कॉम्बैट मास्टर हॉल के जो नॉर्मल सदस्य या स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, अगर उनकी बात होती कि वो हमारे वीपी क्लब को ज्वाइन करते तो उसके साथ में कॉम्बैट मास्टर हॉल को कुछ भी नहीं होता, हालांकि यहाँ पर तो बात कुछ और ही है, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर जितने भी टीचर्स थे वह सभी भी हमारे वीपी क्लब के अंदर ज्वाइन होने के लिए आगे बढ़ रहे थे, ये देखते हुए कि कैसे उनके टीचर को अभी भी उस मामले के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था, रोहन ने उस मामले को पूरी तरह से समझाया। बस जैसे ही रोहन ने ये बात कही अब नितिन का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि वह समझ सकता था कि वास्तव में अब यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी कि वह इस वीपी क्लब के अंदर शामिल हो या ना हो, बल्कि इससे अलग प्रॉब्लम तो ये थी कि अब यह कॉम्बैट मास्टर हॉल की प्रतिष्ठा और गरिमा के ऊपर दाव था, क्योंकि अब उनकी इज्जत के ऊपर कोई भी दाग लग सकता था, लेकिन नितिन ने वास्तव में ये नहीं सोचा था कि इन 3 दिनों के अंदर उसके इस वीपी क्लब ने इस तरह की मुसीबत यहाँ पर खड़ी कर दी होगी। आखिरकार ये सभी बच्चे मेरे से सीखते क्यों नहीं है, देखो ना मैं कितना ज्यादा भोला भाला सा बच्चा हूँ, तो ये आखिरकार हर बार मेरे को जाते ही कैसे इस तरह की मुसीबत को खड़ा कर देते हैं। तुम सभी क्या पागल हो गए हो, तुम सभी को ऐसा करने की क्या जरूरत थी, हाँ ठीक है तुम उसको चैलेंज दे रहे थे तो उसके बाद में तुम सभी को उन्हें अपने वीपी क्लब के अंदर शामिल करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, अरे तुम लोग कम से कम मेरे से कुछ तो सीखो, देखो मैं कितना ज्यादा भोला भाला तुम्हारा लीडर, और तुम सभी इतने ज्यादा बेशर्म हो गए हो कि कॉम्बैट मास्टर हॉल को भी खाली करने के अंदर चले गए, तो कॉम्बैट मास्टर हॉल खाली हो जाएगा तो उसके बाद में कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर पढ़ने वाला कौन होगा, फिर हमारे मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। नितिन अब उन सभी क्लास लगा रहा था और सभी अपनी मुंडी को नीचे कर बस उसकी बातें सुने जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो कॉम्बैट मास्टर्स थे उनका चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया था,